भुइया के गोठ संगी भुइया के गोठ भुइया के गोठ संगी भुइया के गोठ गोठ नवा तकनीक ज्ञान के विशेषज्ञ ले समाधान के पशु मछली मुर्गी पालन के उन्नत खेती गीत गान के स्वस्थ सुखी खुशहाल छत्तीसगढ़ के रसता है भुइया के गोठ संगी भुइया के गोठ भुइया के गोठ संगी भुइया के गोठ भुइया के गोठ संगी भुइया के गोठ भुइया के गोठ संगी। भुइया के गोठ देखैया जम्मो संगवारी मनला हमर जय जोहार। संगवारी हो, बरसात के मौसम हर आगे है और ए मौसम में रकम रकम के फलदार पौधा लगाए के मौसम है, बीज घलाव लगाते और आज यही बारे में हमन बात करवो कि बरसात के मौसम में फलदार वृक्ष मन के पौधा मन के रोपण कैसे करन और कर देखभाल कैसे करे जाए। बतौर विषय विशेषज्ञ हमन अपन स्टूडियो में आमंत्रित करे हैं डॉक्टर घनश्याम साहू जिला। डॉक्टर साहब बहुत बहुत स्वागत है आपके। आप हर वरिष्ठ वैज्ञानिक है इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय रायपुर में। डॉक्टर साहब जैसे कि हमारा आज के टॉपिक है कि बरसात के मौसम में फलदार पौधा के रोपण कैसे करन और ओकर देखभाल कैसे करन, तो सबसे पहली किसान भाई मन पर हम ये जानना चाहत हन कि छत्तीसगढ़ के अगर परिपेक्ष में हमन देखबो तो कौन कौन से फलदार पौधा लगाए जा सकते है और कौन से उपयोगी है और एक वर्षीय द्विवर्षीय बहुवर्षीय कौन कौन से पौधा हर फलदार वृक्ष के श्रेणी में लगाए जा सकते है। जी, हमारे छत्तीसगढ़ प्रदेश के धरा जी में उष्ण और उपोष्ण जलवायु पाए जाते हैं, जिला मन अंग्रेजी में सब ट्रॉपिकल और ट्रॉपिकल फ्रूट्स कथन जी। तो इनमें तमाम 26-27 प्रकार के जो फल है तेला हमारे प्रदेश में किसान भाई मन लगा सकते हैं। जिनमें महत्वपूर्ण जैसे फल के बात करें तो आम है, अमरूद है, केला है, पपीता है, नींबू है, अनार है, कटहल है, आंवला है, बेल है, चीकू है, लीची है, मतलब तमाम प्रकार के फल्ला, मात्र कह दीजिए कि सेब फल, नाशपाती, आलूचा ये मल्ला छोड़ दें तो तमाम प्रकार के फल्ला मन लगा सकत हैं। अब बात आते है कि चूंकि वर्षा ऋतु में और रोपण के जो समय है तो ये ऋतु में फलदार वृक्ष के रोपण बहुत जरूरी है। एक बार जरूरी है कि वर्षा आधारित छत्तीसगढ़ के धरा है और हमारे यहाँ जो टपक सिंचाई के माध्यम से सिंचाई चाहे स्प्रिंकलर के माध्यम से सिंचाई के एरिया काफ़ी कम है, तो यही एक ऐसे समय होते जिस समय में किसान भाई मन ला रोपण करना चाहिए। तो ये तमाम प्रकार के फल के रोपण किसान भाई मन कर सकते है। चूँकि हमारे यहाँ की जलवायु बहुत अच्छा है, तापमान बहुत अच्छा है और ये फल मल्ला बहुत सुगमता से किसान भाई मन ले सकते है। और चूँकि बारिश के सीजन ला अगर किसान भाई मन छोड़ देते तो केला, पपीता, स्ट्रॉबेरी ला छोड़ के बाकी फसल ला फिर से लगाए में थोड़ा सा दिक्कत आते। और चूंकि बारिश के ऋतु में अगर किसान भाई मन लगाते तो पानी देवल नहीं पड़े फरवरी के महीना तक और तब तक पौधा काफ़ी बड़े हो जाते। तेकर से ते किसान भाई हो कि ये मौसम ला मतलब जून जुलाई और अगस्त के मौसम ला नहीं चूकना है और एकरे वजह से वृक्षारोपण भी इस समय करे जाते और यही समय हमारे फलदार वृक्ष के उद्यान अगर किसान भाई मन ला लगाना है तो यही सीजन में जो फल के में नाम ले वो फल मल्ला किसान भाई मन लगा सकते हैं। जी डॉक्टर साहब, जैसे कि आप बताए कि अलग अलग प्रकार के फलदार वृक्ष के खेती हमन कर सकत हन हमारे छत्तीसगढ़ के प्रदेश में, तो एकर तैयारी खेत के तैयारी प्राथमिक तौर पर का करना चाहिए, कैसे कैसे एला लगाना चाहिए, कतका दूरी में गड्ढा ला करना चाहिए और का का सावधानी रखना चाहिए तेला घलो बता देवा। जी, ये बहुत बढ़िया प्रश्न है सुजाता जी। बात आते कि फसल की दूरी का होना चाहिए, गड्ढा कैसे करना चाहिए और साथ में कौन से किस्म के भी चयन किसान भाई मतलब करना चाहिए, लेकिन अभी हम फसल दूरी और गड्ढा की तैयारी के बारे में चर्चा करबो। तो किसान भाई हो याद रखना कि जैसे केला है, पपीता है, अनानास है, तो ये का है एक वर्षी या डेढ़ वर्षी फल है। तो एक बार किसान भाई मन जैसे सब्जी फसल के लिए या धान्य फसल के लिए जैसे ट्रैक्टर से मतलब कह दीजिए कि अच्छी गहरी जुताई किसान भाई मतलब मई जून में कर देना चाहिए और ओकर बाद फिर आड़ा तिरछा जुताई करके या जहाँ पर घास की संभावना ज़्यादा है तो डिस्क हैरो किसान भाई मन चला ले। और जे किसान भाई मन ला केला पपीता लगाना है तो लेबलिंग की भी जरूरत पड़ते है अगर
तो लेजर लैंड लेबलर से जमीन में बढ़िया लेबलिंग कर ले किसान हाँ। भाई मन। लेकिन जब बात आते हैं बहुवर्षीय फल में आम के, नींबू के, चाहे अनार के, चाहे कटहल के, तो किसान भाई हो इनमें जमीन बराबर करे की जरूरत नहीं पड़े। तो किसान भाई मन क्या करे कि भाई फसल की दूरी कतका दूरी में रखना है। और मैं तो किसान भाई मन ये सलाह दूँ कि परंपरागत बागवानी में किसान भाई मन 10 मीटर की दूरी में लगाए सुजाता जी। लेकिन वो समय इसे रहीस की जमीन सब कर रहीस और बहुत रहीस जी जी। और वो समय का है बीजू पौध से किसान भाई मन है उद्यान लगाए, मतलब बीजू पौध से लगा बीज वाला उपचारित करके ओकर बाद छिड़क के फिर रोप के लगा देवे तो वो का है बड़े वृक्ष हो और मैं फलन कमाए। अब चूंकि हमन हाइब्रिड या इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय में सिलेक्शन या भारत वर्ष में बहुत सारे अनुसंधान केंद्र है जहाँ पर अच्छा किस्म और ड्वार्फिंग किस्म मतलब बौना पौधा सबो फसल के मिलत है। तो मैं किसान भाई मन ये सलाह दू की किसान भाई हो पहले के जो परंपरागत दूरी जो 10 मीटर की दूरी में तुम्हारा आम के उद्यान लगाओ, नींबू के उद्यान लगाओ, तो अब थोड़ा सा मानसिकता ला बदल के मैं ये कहूँ कि 6-6 मीटर की दूरी में अच्छा कतार से कतार की दूरी किसान भाई हो 6-6 मीटर के रखो और पौध से पौध की दूरी 4-4 मीटर की दूरी रखो। तो भविष्य में क्या है अंतर्वर्ती फसल भी किसान भाई मन ले सकते हैं और ट्रैक्टर आसानी से और अन्य कर्षण क्रियाएँ भी किसान भाई मन बहुत आसानी से कर सकते हैं। तो 6 मीटर की दूरी में आम के पौध से पौध की दूरी 4 मीटर, कतार से कतार की दूरी 6 मीटर रख सकते हैं। वैसे अमरूद के फसल अगर किसान भाई मल्ला लेना है तब भी 4 मीटर बाई 2 मीटर मतलब 4 मीटर कतार से कतार की दूरी, पौध से पौध की दूरी 2 मीटर रख सकते हैं। और कई जन किसान मन का कहते कि नहीं साहब मोला आम ही लगाना है या नींबू ही लगाना है। तो अब प्रचलन में आ है जिला मन सघन बागवानी कथन जी, सघन बागवानी या अति सघन बागवानी। तो इमें किसान भाई हो बौना किस्म के उपयोग करो। अमरूद के जैसे फसल है तेला तुमन हाँ कतार से कतार 2 मीटर, पौध से पौध 1 मीटर की दूरी में लगा सकत हो। अनार के जो पौध है ओला भी कतार से कतार 2 मीटर, पौध से पौध 2 मीटर की दूरी में लगा सकत हो। आम के जो आम्रपाली किस्म है मतलब बौना किस्म है ओला किसान भाई हो 2 मीटर कतार से कतार की दूरी, पौध से पौध की दूरी 2 मीटर रख सकत हो या 3 मीटर रख सको। मतलब मोर ये कहना है कि जब भी उद्यान स्थापित करे किसान भाई मन तो ये जरूर ध्यान रखे कि भाई मिनी ट्रैक्टर चल जाए या पावर टीलर चल जाए या पावर वीडर चला ले ताकि बीज के कर्षण क्रिया भी किसान भाई मन कर ले। लेकिन सघन बागवानी करे से फायदा ये होते कि प्रति एकड़ पौध की संख्या बहुत अधिक होते और आय की प्राप्ति भी बहुत ज़्यादा किसान भाई मन ला मिलते। तो मोर यही सलाह है कि दूरियां कम रखे के चर्चा भी करें। और बात आते हैं अब गड्ढा के सुजाता जी, जैसे आप मन बोले जी। किसान भाई हो गड्ढा हमेशा जब बहुवर्षी पौध हो तो मैं तो यही कहूं किसान भाई हो कि एक बार लगाना है और 50 साल तक उपज लेना है बिल्कुल, तो 1 मीटर 1 मीटर 1 मीटर लंबाई चौड़ाई और गहराई के गड्ढा किसान भाई मन करना चाहिए। लेकिन केला और पपीता के जब बात करें तो 2-2 फीट की दूरी मतलब 60-60 सेंटीमीटर के 4 फावड़ा मारे से कह दीजिए कि 2 फीट के मिट्टी बाहर निकल जाते। तो ऐसे गड्ढा की तैयारी किसान भाई मन करना चाहिए। और बात आते है कि गड्ढा की तैयारी के समय ये किसान भाई मन ध्यान रखे कि जतका मिट्टी वहां से निकालिस गड्ढा से ओकर आधा भागला हटा दे और आधा भागला ही मिट्टी में फिर से डालना है गड्ढा में। और वो आधा भाग के मिट्टी जो निकाले है तेमें किसान भाई मन गोबर के खाद मिला देवे। हाँ, प्रारंभिक अवस्था में जिला मन बेसल डोज बोलथन मतलब 20 किलो के आसपास गोबर के खाद एक बार किसान भाई मन डाल दे। 100-100 ग्राम NPK नत्रजन फास्फोरस और पोटास किसान भाई मन डाल दे। ओकर बाद कोई भी बहुवर्षीय पौध के रोपण किसान भाई मन बारिश के अवस्था में कर सकते हैं जी। तो डॉक्टर साहब अभी आप बताया कि कतका दूरी में लगाना चाहिए, जैसे कम से कम दूरी में कैसे करे सकन और कैसे गड्ढा ला करे सकन, एक उपयुक्त किस्म भी बता देते हैं हमारे किसान भाई मन ला कि कौन कौन से किस्म है उपयोगी है हमारे छत्तीसगढ़ पर। और जैसे आप बताओ कि पपीता पर भी बता देव, नींबू पर भी बता देव कि कौन कौन से किस्म लगाए जा सके जेमा कम समय में अच्छा पैदावार हो और फायदा हो सके। ये बहुत बढ़िया प्रश्न आप करे सुजाता जी। किसान भाई मतलब मैं बताना चाहूँ कि ये किसान भाई हो ये रेड लेडी किस्म है जिला हमन सेवन, हाँ पपीता के 786 एला रेड लेडी कथन। हाँ, लेकिन सामने ये दो पौध रखा है। हाँ, ये हमार डायोसियस है एला अच्छा। हमन पूसा नन्ना हमार कह दीजिए कि ICR भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद नई दिल्ली से रिलीज वरायटी है पूसा नन्ना जी। तो ये किस्म हमारे प्रदेश के लिए बहुत कारगर है, रेड लेडी किस्म बहुत कारगर है।
बस पूसा नन्ना में का होते कि डायोसेस रहते मेल और फीमेल पौधा अलग अलग लगते। अच्छा। मेल और फीमेल पौधा अलग रहते। तो किसान भाई मतलब मैं ये सलाह दूँ कि चूंकि आप उभयलिंगी पौध या हर्माफ्रोडाइट किस्म लगाते हो तो बहुत महंगा बीज मिलते, तो आप मन डायोसेस किस्म भी लगा सकते हो जिनमें मेल और फीमेल पौध आते। ते में क्या करना है कि 3 महीना बाद जब फूल आना प्रारंभ हो जाते तब पता चल जाते कि कते मेल है कते फीमेल है, तो मेल के एक संख्या रख के मतलब 10 के पीछे 1 पौध रख के बाकी पौधला आप मन हा काट के फेंक सकत हो। हाँ। फेंक सकत हो और पूरा फील्ड ला आप मन हा फीमेल से रख सकत भर सकत हो। तो ये पौध काफी कारगर है और इस तरीके से पपीता के जो मैं बताएं पूसा नन्हा है, पूसा ड्वार्फ है, पूसा मजेस्टी है, कोयम्बटूर 6 है और कोयम्बटूर 2 है। ये किस्म हमारे प्रदेश के लिए बहुत उपयोगी सुझाता जी। और वैसे ही रेड लेडी ये ताइवान है, ये किस्म भी काफ़ी उपयोगी है। हर्माफ्रोडाइट ये किसान भाई मल्ला जरूरत पड़ते। और बात करते हैं जैसे नींबू के, तो मैं किसान भाई मल्ला ये सलाह दूँ कि चूँकि नींबू चाहे वो घर की बगिया हो, ये हमारे नींबू के पौधा है जी, ये नींबू के पौध है, तो चाहे ये घर की बगिया हो चाहे आजकल किसान भाई मन रूफ टॉप में छत में भी गमला में भी लगा लगाना पसंद करते थे, तो मोला यही कहना है किसान भाई हो कि आप मन चूंकि 12 महीना नींबू के फल अगर लेना है आप मन ला, तो कोंकण लेमन एक अच्छा किस्म है, सीडलेस लेमन एक बहुत अच्छा किस्म है, और साथ में हमार नागपुर जो रिसर्च सेंटर है वहाँ से जो रिलीज है प्रमालिनी और विक्रम, याद रखना किसान भाई हो, कागजी नींबू, कोंकण लेमन, सीडलेस लेमन, प्रमालनी और विक्रम, ये किस्म अगर किसान भाई मन मतलब बड़े साइज के गमला में कंटेनर में भी तुमन लगा सकत हो और किचन गार्डन में तो होना ही चाहिए नींबू, तो ये किस्म भी चूंकि घर में अब यही ला अगर आप मन उद्यान में लगाना चाहते हो तो 4 मीटर कतार से कतार की दूरी रखो और पौध से पौध की दूरी 3 मीटर रखो और नींबू की खेती आप मन बहुत आसानी से कर सकते हो। चूंकि किस्म के बात चलते हैं सुजाता जी, जी। तो मैं ये दिखाना चाहता हूँ जैसे बिही हरे, ये गुटी से तैयार करे हुए किस्म है। अच्छा। तो इनमें फायदा क्या होता है सुजाता जी कि ये ठंड के दिन में अभी फूल आना प्रारंभ हो जाए जी। और एकर किस्म भी बता देते हैं डॉक्टर साहब, का किस्म के पौधा जी, है जी बहुत बढ़िया प्रश्न करे हो कि हमारे जो अमरूद है ये अमरूद हमारे प्रदेश से बाहर देश तक भी जा सकते हैं। एकर भर की अमरूद के लिए हमारे प्रदेश बहुत ही मतलब उपयुक्त जलवायु है यहाँ पे और तापमान भी बहुत अच्छा है। और एकर जो किस्म है याद रखेंगे किसान भाई हो, ललित है, इलाहाबाद सफेदा है, लखनऊ 49 है, श्वेता है, और बड़े अमरूद जैसे किसान भाई मन देखते जेला हमन कथन की थाई बाबा या VNR भी है, तो एला किसान भाई मन लगा सकते हैं। अच्छा। अमरूद एकर पर किसान भाई मन लगाए कि ये बहुत हार्डी नेचर के सुजाते जी, मतलब ज्यादा मेहनत करेगी देखभाल की भी जरूरत नहीं पड़ा एला ज्यादा। हाँ। और प्रारंभिक समय में बताएं कि 2 मीटर बाई 1 मीटर की दूरी में हमन भी लगाए हैं, बहुत सारे किसान मन भी लगाते हैं, और बाकी जो देखा तो किसान मन मूल कहना है कि सघन बागवानी में अमरूद की खेती आप मन बहुत आसानी से कर सकते हो जे किस्म में बताए ओला। अब बात आते जैसे आम के, तो आम चूंकि सुजाता जी गर्मी के दिन आते किसान भाई मन मार्केट से खरीदते आम और सोचते जरूर कि हमला लगाना है आम के पौध लेकिन नहीं लगावे, तो ये ग्राफ्टेड हमारा आम हरे जैसे आम रपाली किस्म है, दशहरी किस्म है, मल्लिका है, तो साथ में बॉम्बे ग्रीन है, अल्फान जो है जेल हाफूस के नाम से जानथन, लंगड़ा है, ये किस्म हमारे प्रदेश में बहुत आसानी से किसान भाई मन लगा सकते। इसमें आम की दूरी याद रखना किसान भाइयों, शुरू में बताए छो आप 3 मीटर बाई 2 मीटर की दूरी में आमला भी लगा सकत हो, गड्ढा जिसे बताएं वैसे आप मन यही समय में जून जुलाई और अगस्त महीने में किसान भाई मन लगा सकते। एक और महत्वपूर्ण फसल है सुजाता जी, जैसे दर्मी जेला अनार कथन हमन है, दर्मी के पौधा है। हाँ, ये अनार है, ये चूंकि एकर बर बहुत महत्वपूर्ण है सुजाता जी कि ये श्रबी नेचर के है, मतलब ये झाड़ी नेचर के है, बड़े पेड़ नहीं हुए तो लोग छत में लगा सकते, बाड़ी में लगा सकते और खेत के मेड़ में लगा सकते। मैं किसान भाई मतलब ये सलाह दूं कि खेत के मेड़ में अनार ला लगा दे, काबर ये अनार के फसल ऐसे फसल है जेला नहीं बराबर पानी लगते, जैसे पपीता ला भी नहीं बराबर पानी लगते और अनार ला भी नहीं बराबर पानी लगते। तो मोर ये कहना है किसान भाई हो कि अगर मेड़ में भी तुमन अनार की खेती करू तो जतका धान के फसल में तुमन उत्पादन लेते हो ओकर ले कहीं ज्यादा आप अनार के फसल में उत्पादन लो
और अनार के जो उपयुक्त किस्म है किसान भाइयों, उनमें है सुपर भगवा, हमारे यहाँ विश्वविद्यालय में है, गणेश है, ढोलका है और भगवा है। तो ये किस्म वाला किसान भाई मन अगर लगही तो कह दीजिए कि दूसरे वर्ष से अनार के उत्पादन किसान भाई मन ले सकते हैं। जी डॉक्टर साहब, अलग अलग किस्म के पौधा भी धरे हैं आप हर, और बताए कि कैसे कैसे किस्म ला हमारे छत्तीसगढ़ में लगा सकते हैं, तो हमार किसान भाई मन ले यहू बतावा कि ये जो किस्म है इलाका किसान भाई मन अपन घर में भी तैयार कर सकते हैं, काबर की यह तो लगते हैं हमारे खेत में, लेकिन इला लेकर खरीद के जाए जाके लगाए तो का इला एक बार ले आए और बाद अपन तैयार कर सकते हैं का घर में चाहे तक किसान भाई मन? यही बहुत बढ़िया प्रश्न है सुजाता जी, मोर ये कहना है कि किसान भाई जब एक बार नर्सरी से पौध खरीद के लिए, इस उदाहरण के लिए अगर सीडलेस लेमन खरीद के किसान भाई लिए तो मोरे कहना है दूसरे वर्ष या वही साल फिर 40 पौधा खरीदे के का जरूरत, मोरे कहना है कि एक पौध किसान भाई मन ले आवे ओकर बाद जैसे में गूटी के तकनीक है, गूटी तैयार करते हैं जैसे एक एक शाखा है सुजाता जी, जी दिखत ये मात्र एक शाखा है, एक अलग अलग डंगाली निकल गए छोटे थोड़ा और मोटा हो जाए, है अतका मोटाई के जैसे शाखा हो जाए जैसे बने हैं एक शाखा, ओकर बाद का करण की अतका मोर ये मोटाई के एक छिलका हल्का निकाल देना है। अच्छा, और सब किसान भाई मतलब पता है कि तीज त्योहार आते तीजा में कह दीजिए कि नंदी बनाए बारे मन तालाब के कह दीजिए मिट्टी धर के लाते और नंदी बनाते, वही माटी का उपयोग करके जैसे इला छेदल मन छिलका ला निकालबो वो जगह हल्का मिट्टी रख दे और मिट्टी के बाद कपड़ा से बांध दे या पॉलीथीन से बांध दे या जूट के बोरी से बांध दे तो एकर से हूबहू नया पौधा तैयार हो जाते। अरे वाह, तो किसान भाई मन इला व्यवसायिक रूप में भी ले सकत, जे किसान के घर में अगर 10 साल पुराना नींबू के पौधा है तो एक एक पौधा हम डॉक्टर साहब तीन तीन चार चार जगह गुटी बांध के निकाल सकते हैं? सुजाता जी तीन तीन चार चार जगह का तीन तीन चार चार सौ पौधा अगर एक एक पौधा में अगर वो 9 साल पुराना पौधा है तो बहुत बड़े पेड़ होते, बहुत बड़े, बहुत बड़े पेड़ में असंख्य शाखा। बस आप ध्यान यही रखना है जैसे आप अभी बताए कि ओला अतका मोटा मतलब अंगूठा असन मोटका हो जाए वो डंगाल है ओमा छील के ओला बनाए जा सकता है, बस मतलब छीनी अंगरी अतका मोटा और अंगूठा के ये हमार नाखून है उतका छिलका निकालना है। अच्छा, अतका चौड़ाई के छिलका निकालना है और छिलका निकालने के बाद उसमें माटी भर देना है और बांध देना है, तो एकर गुटी से पौधा तैयार करे जाते, एकर अनार के भी गुटी से पौधा तैयार करे जाते, कटिंग से भी गुटी से भी लेकिन व्यावसायिक रूप से गुटी से तैयार करे जाते, और ये अमरूद के जो पौध ला हो यहू गुटी से भी तैयार करे हुए पौधे कि मैं गुटी बांधे रहे नया पौध तैयार हो गए। तो मोर यही कहना है जैसे गठान असन दिखा थे अतका हमला निकाल देना है छिलका ला ये ऐसा छिलका निकाल देते किसान भाई मन ऐसा छिलका निकल जाही और ओकर बाद माटी बांध देन फिर नया पौधा तैयार। तो किसान भाई हो गुटी बांधे के सबसे उपयुक्त समय यही जुलाई अगस्त है, कह दीजिए नींबू में अनार में अमरूद में चीकू में गुटी बांध के नया पौधा किसान मन तैयार कर सकते हैं। बात आते जैसे आमा के तो आमा के ये जैसे किसान भाई मन देख सकते हैं ये हमने ग्राफ्टिंग करे हुए हैं ये जैसे यहाँ पे ये ग्राफ्टिंग करे हुए किसान भाई हो यहाँ से क्लियर आप मतलब दिखाते हैं ग्राफ्टिंग करे ऐसे काट दे है आमा लगा दी से। तो ये प्रश्न एक बार जरूरी हो गए सुजाता जी, जब बारिश के दिन में आम के गोही हमन खाक फेंके रहन अभी गर्मी वाला तो वो गोही अभी नया निकलते नया पौधा निकलते वो रहते देसी किस्म, वो देसी किस्म में बीज से हमन हा फाड़ के फाड़ देते हैं। जो किस्म आप ला चाहिए आपके उद्यान में रहना चाहिए चाहे वो आम्रपाली रहे चाहे दशहरी रहे मल्लिका रहे ओकर पतला श्यान लेके ओमे हमला बीच में फंसा देना है और फंसा एक बात पट्टी बांध देना है जैसे पट्टी बंधा है ये बंधा है पट्टी क्लियर दिखत भी है बिल्कुल बिल्कुल ये मतलब देसी आमा के बीजा जे किसान भाई मन किसान भाई मन फेंकिस तेहरे देसी आमा के बीजा और ये हमार आम्रपाली किस्म के श्यान है हाँ तो ये पतला श्यान ला यहाँ पे अमन घुसा के ला बांध देन एक महीना में यह पौधा नया तैयार हो जाते। तो ये तरीके से आम के पौध तैयार करे के मतलब मोर ये कहना है सुजाता जी कि कोई किसान के परिवार है 500 गुठली फेंकिस तो वो है 400 नया पौध तैयार कर सकते जी, जी। मतलब ओला घुरवा में नहीं फेंकना है मिट्टी में बाड़ी में फेंकना है और नया पौध किसान भाई मन तैयार कर सकते। तो ये तरीके से नया पौध तैयार करके किसान भाई है
दूसरा किसान ला लाभान्वित कर सकत है और अपन आय के उत्पादन ला भी बढ़ा सकत है। मतलब प्रति पौध 30 रुपया के हिसाब से भी बेची तो कह दीजिए कि 10,000-20,000 के पौध किसान भाई मन बेच सकत है जी। और अपनों भी इमा फायदा ले सकत है, अपन भी व्यवसाय कर सकत है, कर पौधा ला बेच बेच के भी। डॉक्टर साहब ये तो हो गए कि कैसे कैसे किस्म है और ला कैसे कैसे नया पौध तैयार कर सकत हन, तो किसान भाई मन ला ये बतावा कि पौध तैयार हो गए ओला वो जतका दूरी के गड्ढा आप मन बताए उतका गड्ढा मा ओमन लगा भी दिन है, ओकर बाद के का प्रारंभिक का तैयारी करना है, का सावधानी रखना है कि पौधा जीवित भी रहे और बने पुष्ट रहे ताकि ओमा अच्छा फल भी आवे, तो कर कैसे देखभाल करन। ये बढ़िया प्रश्न है किसान भाई हो। कई बार का होते है कि लगातार बारिश होते 24 घंटा 48 घंटा बारिश हो जाते तो पौध जे जग हमन लगाए हैं जी वो पौध के क्षेत्र में लगातार पानी भर जाते। तो किसान भाई ये ध्यान रखना कि चूंकि हम जून जुलाई में पौध के रोपण करथन तो कम से कम आधा फीट ऊंचाई तक मिट्टी रखन ताकि वो मिट्टी है सेट होए के बाद बराबर समतल हो जाए। समतल होए के बाद ये देखना है कि पौध के रूट जोन में पानी 24 घंटा मत रहे, मतलब जमा नहीं रहना चाहिए, ओकर तना तक के पानी नहीं आना चाहिए, पहला रख रखाव एला किसान भाई मतलब विशेष ध्यान रखना है, मतलब पानी 24 घंटा किसी भी हालत में वो उद्यान में नहीं भरना चाहिए। दूसरा है कि खरपतवार चूंकि अभी उगते बारिश के दिन में तो खरपतवार के प्रबंधन जड़ क्षेत्र में पौध के जड़ क्षेत्र में किसी भी हालत में खरपतवार नहीं रहना चाहिए जी। नहीं तो हमन कथन की फसल और खरपतवार के बीच में प्रतिस्पर्धा होते और खरपतवार है जीत जाते पौधा छोटे रह जाते बड़े बड़े उग जाते खरपतवार हर खेत में बिल्कुल। और एक बात किसान भाई मतलब ये ध्यान रखना है जैसे पपीता के पौध है तो पानी की आवश्यकता नहीं बराबर पड़ते, तो जो छोटे पौध है पपीता है केला है इला किसान भाई मन हा मेड़ नाली पद्धति बना के जैसे आप मेड़ बना दिस ओकर बाद पौध लगा दिस ओकर बाद ढक दिस तो नाली में पानी रही मेड़ में पानी नहीं रहा तो जतका वाला जरूरत है पौधा ला ओहर वाला अवशोषित कर जाही और एक्स्ट्रा जरूरत नहीं पड़े बिल्कुल। तो मेड़ नाली पद्धति करके भी किसान भाई मन हा ये पौध ला लगा के देख रेख कर सकते जी। तो आप मन बताए कि मेड़ में लगाए के पौधा हर ये आपके पपीता हरे और अनार ला भी आप बताए कि ज्यादा जरूरत नहीं पड़े और कौन कौन ला मेड़ में लगाया जा सकत है, बिहिला भी लगाया जा सकत है बिल्कुल। अब किसान भाई मन ये ध्यान रखे कि मेड़ ला खाली छोड़ना कोई मतलब नहीं है, नहीं है पहली हाँ। का है कि जब मवेशी घर में रखे तो किसान भाई मन कहा है कि घास हमन कटाई करथन और मवेशी ला दुधारू गाय ला खिलाथन, लेकिन अब तो किसान भाई मन मवेशी बहुत कम रखते तो मोर ये कहना है कि घास भी उगी लेकिन निश्चित दूरी में आप अगर मेड़ में अमरूद के पौध अनार के पौध पपीता के पौध अगर लगाते हो तो कह दीजिए कि आपके पीढ़ी तो खही खही अगला पीढ़ी भी खही। मतलब और सबसे अच्छा मैं बता देता हूँ मेड़ के लिए सबसे उपयुक्त है पपीता और अनार अच्छा। और बहुवर्षी में मतलब खेत में बराबर होना चाहिए कटहल के पौध आंवला के पौध बेल के पौध किसान भाई मल्ला लगाना चाहिए। एक से कहा होते सुजाता जी कि बोलते ना माइक्रो क्लाइमेट या इन्वायरमेंट में जो खास करके माइक्रो मतलब वो पर्टिकुलर खेत में पर्टिकुलर वो खेत में अच्छा कह दीजिए सूक्ष्म पोषक तत्व के मात्रा भी बढ़ते मृदा अपरदन से भी रुकते और ओकर पत्ती जब झड़ते तो किसान भाई आप देखिए कि वहीं पर कह दीजिए वो डिकम्पोज होके नया खाद के रूप में। डॉक्टर साहब जात जात हमारे दर्शक मन ला ये बतावा कि एमा का दवाई डालन कि एकर जो जो रोग हो जाते एमा ओहर नहीं होवे और पौधा हर बने पुष्ट रहे और बढ़िया फल देवे। हाँ तो मैं बहुत शॉर्ट में बताना चाहूँ किसान भाई हो जब आपके पपीता में पीलापन की संभावना बने तो किसान भाई हो याद रखना पपीता में ब्लू कापर या कापर ऑक्सीक्लोराइड के नाम से आते या स्कोर के नाम से जो दवा थे तेकर 1 ग्राम मात्रा 1 लीटर पानी में मिक्स करके अगर पपीता में हर 15 महीना दिन में स्प्रे करथन तो येलो एंड मोज़ेक वायरस नहीं लगे। नींबू में जैसे कीड़ा लग जाते लेमन बटरफ्लाई बिल्कुल नींबू की पत्ती मतलब काट देते तो किसान भाई हो याद रखना या तो नीम आयल के उपयोग कर सकत हो या इमामेक्टिन बेंजोएट जो दवा आते वो कर 1 ml मात्रा 1 लीटर पानी में स्प्रे करके उपयोग में लाया जा सकते हैं। और अमरूद लग में बताएं कि बहुत हार्ड ही है अमरूद में नहीं बराबर कीड़ा लगते तो में कोई दिक्कत नहीं है। तो ये मुख्य जो कीट की बात है और तरह तरह के कीट भी लगते लेकिन हम ऑर्गेनिक के बाद ज्यादा करण नीम के आयल है करंज के आयल है अंडी के तेल है एक स्प्रे अगर किसान भाई मन करते
तो काफी तादाद मात्रा में कीट के प्रबंधन किसान भाई मन कर लेते हैं। जी डॉक्टर साहब, आप हमारे स्टूडियो में आए, हमला का अच्छा जानकारी दे, एक बार आपके बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। तो किसान भाई मन, जात जात हमन बता देते हैं हमर पता। हमर पता है भूया के गोठ, द्वारा निदेशक, दूरदर्शन केंद्र, शंकर नगर, रायपुर, छत्तीसगढ़। हमर पिन कोड है 492007। और अब हमला देव विदा। जय जोहार।